तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे, अगर आपको इंस्टाग्राम पर सेव्ड फ़ोन नंबर ऑप्शन दिखा रहता है तो आप इसे कैसे ऑन कर सकते हो या फिर ये किस तरीके से ऑन होगा। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सेव्ड लॉगिन इन्फो में हैं हम अभी। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते तो यहाँ पर दो ऑप्शन खुल जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर कोई इसे टर्निंग ऑन सेव फोन नंबर लिखा था, सेव फोन नंबर कैन बी ट्रस्टेड व्हेन योर डिवाइस लॉगिन इन दिस और एनी एसोसिएटेड विद दिस फोन नंबर, ये कुछ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों शो कर रहा है या फिर हमारा यहाँ पर ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप सेव्ड लॉगिन को इनेबल कर दीजिए। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है सेव्ड फ़ोन नंबर वाला, ये आपके अकाउंट में अगर ऑन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने अकाउंट में जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है, यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपके जो है अकाउंट में ऑन ऑलरेडी है ही। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर सेव फ़ोन नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या होता है कि अगर आप मान लो इंस्टाग्राम पर लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो वापस से अगर आप जो है लॉगिन करना चाहते हैं तो अगर आप सेव फ़ोन नंबर को ऑन कर रखते हैं तो आपका मोबाइल नंबर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। बस आपको पासवर्ड डालना है एंड वो हो जाएगा। बाकी कभी कभी आपको कन्फर्मेशन कोड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका डायरेक्टली ऑटोमेटिक लॉगिन भी हो जाता है अगर आपका ट्रस्टेड डिवाइस है। अगर आपने अपना तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।